हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप दैट ऑल ऑफ यू विल बी फाइन एंड टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आल्सो ऑफ योर स्टडीज। टुडे वी हैव डिस्कस चैप्टर 11 क्लास 12th एक्सरसाइज 11.2 पार्ट सेकेंड। तो बच्चों 11.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक के मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डाल रखे हैं और उससे पहले की वीडियोज में मैंने सारे कंसेप्ट बताए हैं विद एग्जांपल्स। तो कंसेप्ट अगर नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, आप चाहे जितनी बार करते रहें इनको। हर क्वेश्चन आपको रीड आउट करेंगे एक ही जैसा लगेगा, तो कंसेप्ट देखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपको कंसेप्ट देखना है और चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो देखें, अगर कंसेप्ट समझ में आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हम आज आपको सिखाते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 से आगे के क्वेश्चंस, ठीक है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट पासिस थ्रू द पॉइंट्स। यानी हमें दो पॉइंट्स दे रखे हैं, एक तो दे रखा है 3-2-5 और दूसरा पॉइंट दे रखा है 3-2-6 दे रखा है, ठीक है? तो ये हमें दे रखा है। अब मैंने मान लिया कि लेट पी क्यू इज द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 3-2-5, ठीक है बच्चों? अगर ये कोई लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है तो होगा क्या कि मान लिया कि मैंने वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा कि 3i-2j-5k। कैसे मालूम पड़ा मुझे कि जैसे हमारा ये कार्टेशियन प्लेन था, पहले वाला कंसेप्ट था हमारा ये कि ये एक वेक्टर मैंने ले लिया और यहाँ पर एक पॉइंट ले लिया, वो पॉइंट ए हो गया और उस पॉइंट ये वेक्टर, फिर पोजीशन वेक्टर इसका ये बन गया क्योंकि यहाँ पर 0, 0 और 0 है, तो इसमें से इस पॉइंट को माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है? अब देखो पी क्यू मैंने वो लाइन मान रखी है तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द पी क्यू क्या होंगे, यानी डी आर और पी क्यू क्या होते हैं बच्चों कि x2-x1 और y2-y1 और z2-z1 हुआ करते हैं। तो हम क्या करें कि इसमें से इसको माइनस कर दें, यानी 3-3 तो डायरेक्शन रेशियोज आ जाएंगे, डी आर इज इक्वल टू 3-3, ठीक है? एक पेयर बन गया, दूसरा क्या बन गया -2-2 और तीसरा पेयर क्या, तीसरा क्या बन गया मेरा कि 6-5, सही से लिख लें -5, ठीक है? तो ये तो हो गया 0 और ये -2+2 ये भी 0 हो गया और ये -+ हो गया तो ये 11 हो गया। ये क्या बन गए बच्चों, डायरेक्शन रेशियोज हो गए। अब वेक्टर बी निकल आया हमें, तो वेक्टर बी मेरा किसके बराबर होगा कि 0i+0j+11k, ठीक है ना? तो ये अब ये वेक्टर कहाँ है, यहाँ से इस तरीके से आ गया, ये बी वेक्टर है। तो अब हमारी इक्वेशन क्या होती थी कि वेक्टर ए इज वो वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा टाइम्स वेक्टर बी। तो इसमें इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा ए वेक्टर कितना है मेरा कि 3i-2j-5k, ठीक है? और प्लस लैम्डा टाइम्स, अब ये तो 0 ही है, इनको लिखने की जरूरत नहीं, 11k। ये हमारी क्या हो गई, रिक्वायर्ड वेक्टर इक्वेशन हो गई, क्लियर है? अच्छा अब ये हमसे क्वेश्चन में और क्या पूछ रहा था, क्वेश्चन में पूछ रहा था कि फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है कि कार्टेशियन इक्वेशन होती है x-x1 / a
वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी। ए बी सी क्या है यहाँ पे, डायरेक्शन रेशियोज है। डायरेक्शन रेशियोज मेरे क्या है, ये आए हुए हैं, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे कि इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब एक्स वन वाई वन और जेड वन, एक्स वन वाई वन जेड वन ये है हमारे, तो देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं हम। एक्स माइनस थ्री ये तो जीरो हो गया, इज इक्वल टू वाई माइनस और माइनस टू तो प्लस का टू हो गया, ये भी जीरो हो गया। और जेड माइनस माइनस फाइव कितना हो गया, जेड प्लस फाइव और डिवाइडेड बाई इलेवन हो गया। तो दैट इज द रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। ये पूछ रहा फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट पासिस थ्रू द फॉलोइंग पॉइंट। तो बच्चों इस तरीके से ये निकल आएगा, ओके। उम्मीद है मुझे कि ये बात समझ में आई होगी आपको। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये चैप्टर ऐसा है, मैं पहले भी बोलता रहा हूं आपसे कि बहुत प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, और प्रैक्टिस आप कंसेप्ट की ज्यादा करिए पहले, क्योंकि तो अभी तो ये स्ट्रेट लाइन है। जब हम प्लेन पर पहुंचेंगे तो वहां पर बहुत सारे फार्मूला होंगे, तो आप जितनी दो या तीन बार जब प्रैक्टिस करोगे तब आपको लगेगा कि अब हमें कंसेप्ट समझ में आया। और जैसे ही किसी क्वेश्चन का कंसेप्ट समझ में आया फिर आपसे क्वेश्चन होता रहेगा, ठीक है। जैसे क्लास इलेवेंथ में था स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर था, कहीं एक पॉइंट से, कहीं दो पॉइंट से, कहीं इंटरसेक्शन, कहीं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ठीक है ना। तो वैरायटी ऑफ इक्वेशंस वहां पर थी, तो जिस बच्चे को वहां पर कंसेप्ट नहीं मालूम रहा होगा उसके लिए वो चैप्टर बहुत मुश्किल रहा होगा, और जिसको वो कंसेप्ट पता होंगे उसके लिए वो बहुत जल्दी क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो वैसे ही इस चैप्टर में भी है कि आपको कंसेप्ट पे बहुत वर्कआउट करने की जरूरत होगी। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, क्या कह रहा है, फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस। तो एक तो मुझे क्या दे रखा है कि वेक्टर फॉर्म में दो इक्वेशंस दे रखे हैं कि 2i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप और प्लस लैम्डा टाइम्स 3i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 6k कैप, यही दे रखा है मुझे। और दूसरी मुझे क्या दे रखी है कि वेक्टर r इज इक्वल टू 7i कैप माइनस 6k कैप प्लस म्यू, i है और k है, j नहीं है इसमें, म्यू दे रखा है i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 2k कैप। इस तरीके से ये हमें क्या दे रखे है कि क्वेश्चंस दे रखे हैं। तो हमने क्या मान लिया कि एंगल फाइंड आउट करना है कि लेट थीटा बी द एंगल, बी द एंगल बिटवीन द लाइंस, बिटवीन द लाइंस, ठीक है ना। तो यही दे रखा है मुझे कि फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द लाइंस। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि गिवन लाइंस विल बी पैरेलल टू द वेक्टर्स, ठीक है। कौन वेक्टर्स के पैरेलल होंगे, देखो ये क्या होता था कि वेक्टर ए और ये क्या होता था कि वेक्टर बी, इसको बी वन मान लिया और इस वाले को मैंने वेक्टर बी टू मान लिया, और इसको क्या मान लिया, ये ए वन वेक्टर है और ए टू वेक्टर है, ठीक है। तो जब हमें थीटा निकालना हो और वेक्टर फॉर्म में अगर इक्वेशंस दे रखी है तो बहुत आसानी से थीटा की वैल्यू निकाली जा सकती है। कैसे निकल करके आएगी कि कॉस थीटा इज इक्वल टू बी वन डॉट बी टू वेक्टर, ठीक है। और डिवाइडेड बाई मेरा क्या हो जाएगा कि मॉड होता है कि बी वन वेक्टर और बी टू वेक्टर, ये तो फार्मूला होता है। तो अगर ये फार्मूला है तो इस फार्मूले में हम वैल्यू डाल देंगे और आंसर आ जाएगा। तो देखो बी वन वेक्टर मुझे क्या दे रखा है, यहाँ लिख लिया मैंने कॉस थीटा इज इक्वल टू बी वन दे रखा है मुझे 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप, और बी टू बराबर डॉट आएगा यहाँ पे डॉट है,
क्योंकि डॉट प्रोडक्ट लगता है, आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस टू के कैप और डिवाइडेड बाई, ये मॉड का साइन है। तो मैं किस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिखा जा सकता है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर होता था, तो ये मैंने थ्री का स्क्वायर यहाँ पे लिख लिया, टू का स्क्वायर लिख लिया, सिक्स का स्क्वायर लिख लिया, और यहाँ पर क्या आ गया, वन का स्क्वायर आ गया, टू का स्क्वायर आ गया और टू का स्क्वायर आ गया। अब देखो बच्चों, जैसे आई और डॉट जे तो जीरो हो जाता था, आई डॉट के वो भी जीरो हो जाता है, तो थ्री का वन से मल्टीप्लाई होगा, तो ये ओवरऑल में मेरा क्या बनेगा, आकर के थ्री को वन से मल्टीप्लाई किया थ्री आ गया, प्लस का साइन आ गया, टू टू जा फोर आ गया और सिक्स टू जा ट्वेल्व हो गया, ठीक है, और डिवाइडेड बाई मॉड में वो रूट में ये आ गया, थ्री थ्री जा नाइन, फोर और थर्टी सिक्स, तो नाइन प्लस फोर और प्लस का थर्टी सिक्स, और दूसरे वाले में वन आ गया, फोर आ गया और प्लस का फोर आ गया। अब हम क्या करेंगे कि इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये आ गया मेरा, यहाँ लिख लेता हूँ कॉस थीटा इज इक्वल टू चार और तीन सात और नाइनटीन आ गया, डिवाइडेड बाई रूट में थर्टी सिक्स फोर्टी फोर्टी नाइन, फोर्टी नाइन का स्क्वायर रूट कितना होता है सेवन होता है, यहाँ पर सेवन लिख लिया, और फोर और नाइन तो नाइन का स्क्वायर रूट थ्री हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा, कॉस इनवर्स नाइनटीन अपॉन में ट्वेंटी वन, तो ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा बच्चों, ठीक है। इस वाले क्वेश्चन में दो पार्ट दे रखे हैं, तो दोनों पार्ट ऐसे ही होंगे, ये वाला पहला पार्ट था, तो कुछ दूसरा पार्ट आप ट्राई करेंगे बिल्कुल ऐसे ही होगा बच्चों, कुछ भी चेंज नहीं होगा, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे, हम क्या कर सकते हैं कि मेथड बता सकते हैं आपको, मेथड नहीं समझ में आएगा तो उसी तरीके से बताया जा सकता है, लेकिन आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कह रहा है हमारा। कह रहा है कि द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, एंगल फाइंड आउट करना है, और मुझे क्या दे रखा है इसमें, इसमें मुझे दे रखा है कार्टेशियन इक्वेशंस दे रखी है। तो कार्टेशियन इक्वेशन से हम दो तरीके से क्या निकाल सकते हैं कि एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कंडीशन दे रखी तो हम कंडीशन के साथ में जाएंगे, अगर कंडीशन नहीं दे रखी है, ठीक है, तो जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन किया वो किसके हिसाब से किया, उसको मैंने किया कि वेक्टर इक्वेशन जब दे रखी हो, तो कार्टेशियन इक्वेशन से वेक्टर इक्वेशन से एंगल निकालना मैं आपको इसलिए सिखाऊंगा कि कार्टेशियन इक्वेशन को आप वेक्टर इक्वेशन में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। तो रोड है भाई, कुछ न कुछ जाएगा आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं भाई, क्या कह रहा है ये। फाइंड द एंगल बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइंस, एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई टू वाई माइनस वन डिवाइडेड बाई फाइव इज इक्वल टू जेड प्लस थ्री और डिवाइडेड बाई माइनस थ्री, और दूसरी इक्वेशन मुझे क्या दे रखी है कि x प्लस टू डिवाइडेड बाई माइनस वन बाई माइनस फोर डिवाइडेड बाई एट और z माइनस फाइव और डिवाइडेड बाई फोर ये दे रखा है, ठीक है। फाइंड द एंगल बिटवीन द, तो एंगल निकालना मुझे, तो देखो कैसे निकलेगा। पहली बात तो एक को मैं कन्वर्ट करके बताता हूँ आपको कि ये ऐसा हुआ। वैसे तो हम हर एक क्वेश्चन में इस टाइप से लिखा करते हैं, लेकिन फिर भी आप आसानी से समझे इस बात को, इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। जेड प्लस क्या है कि जेड माइनस जेड वन और डिवाइडेड बाई सी, ठीक है, ए वन बी वन सी वन मान सकता हूँ मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। तो देखो मैं इसको कंपेयर कर देता हूँ, कैसे कंपेयर करूँगा इसको, मैं ये किसके फॉर्म में लाना है, वेक्टर फॉर्म में लाना है। एक्स माइनस एक्स वन, तो x1 की वैल्यू मुझे मेरी कितनी हो गई, 2 के बराबर हो गई, तो यहाँ मैंने क्या लिख लिया, 2 आ गया,
यहाँ पर क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, या माइनस जेड वन है तो यहाँ पर प्लस है, तो मेरा क्या आ जाएगा, माइनस थ्री आ जाएगा। तो ये बन गया, इससे वेक्टर ए निकाला जा सकता है। वेक्टर ए क्या आ जाएगा, टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री का के कैप। और बच्चों ये बताते ही रहते हैं कि ये क्या है, मेरे डायरेक्शन रेशियोज हैं। तो डायरेक्शन रेशियोज के साथ में क्या होता है कि वेक्टर बी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। तो ये क्या आ गया, टू आई कैप प्लस फाइव जे कैप और माइनस का थ्री के कैप, इस तरीके से। तो ये वेक्टर इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, कि वेक्टर इक्वेशन इसकी ये बन गई, वेक्टर आर इज इक्वल टू टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस थ्री के कैप प्लस लैम्डा टाइम्स टू आई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस थ्री के कैप। इसी तरीके से इसके साथ में क्या बन जाएगा हमारा, कि वेक्टर आर इज इक्वल टू, यहाँ पे प्लस का टू है तो माइनस का टू आई कैप हो गया, और क्या बन गया, प्लस का फोर जे कैप बन गया, और क्या बन गया मेरा, माइनस का यानी प्लस का फाइव जे कैप बन गया, प्लस म्यू आ गया। नीचे क्या दे रखा है, ये डायरेक्शन रेशियो, तो माइनस आई कैप हो गया प्लस का एट जे कैप हो गया प्लस का फोर के कैप हो गया, ठीक है। अब हम हमारा काम क्या है, ये वेक्टर बी वन है और ये वेक्टर बी टू है, कॉस थीटा इज इक्वल टू, इस फार्मूले में वैल्यू पुट कर दूंगा, कॉस थीटा बी वन बी टू डॉट प्रोडक्ट है, ये दोनों वेक्टर्स हैं, मॉड आ गया भाई कि वेक्टर बी वन वेक्टर बी टू, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है। अब वेक्टर बी वन कौन सा है, ये वेक्टर बी वन है और ये कौन सा है, वेक्टर बी टू है। यहाँ पर इनको पुट कर दें, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हमें क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो ये आ गया टू आई कैप प्लस फाइव जे कैप माइनस थ्री के कैप, डॉट प्रोडक्ट है तो क्या बन गया, माइनस आई कैप प्लस एट जे कैप प्लस फोर का के कैप, ठीक है। और नीचे मेरा क्या बन गया, इनका स्क्वायर रूट ले लेता हूँ यहीं पर, टू का स्क्वायर फाइव का स्क्वायर और प्लस का माइनस थ्री का स्क्वायर, तो थ्री का स्क्वायर लिख लिया, प्लस में ही हो जाएगा, तो वन का स्क्वायर या चलो माइनस वन का स्क्वायर, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, तो यहाँ पर माइनस थ्री लिखूंगा मैं, माइनस वन का स्क्वायर एट का स्क्वायर और फोर का स्क्वायर, ठीक है ना। ये स्क्वायर का साइन है, ये स्क्वायर लिखा हुआ 42 में लिखा हुआ, ओके। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं थोड़ा सा, कॉस थीटा इज इक्वल टू, देखो बच्चों टू से माइनस वन को मल्टीप्लाई किया माइनस टू आ गया, फाइव को एट से मल्टीप्लाई किया 40 आ गया और माइनस का 12 आ गया, ठीक है। नीचे रूट वालों को सिंप्लीफाई करके क्या बनेगा, टू का स्क्वायर फोर, तो फोर लिख लेते हैं, 25 आ गया और 9 आ गया। और नीचे इसमें रूट में क्या आया मेरा, वन का स्क्वायर वन, एट एट जा 64 और फोर फोर जा 16 हो गया, ये कितना बन गया मेरा, माइनस 12 और माइनस 2 36 हो जाएगा भाई, माइनस 12 वो 26 हो जाएगा, माइनस 12 और माइनस 2 माइनस 14 हुआ, तो 40 में से 14 गया तो 26 बच गया, और डिवाइडेड बाई ये कितना बचा, 9 4 और 13 और 25 और प्लस का 13, 25 प्लस का 13 हमारा बना ये 38 के इक्वल, और ये किसके बराबर हुआ, 80 बन के। तो क्या ये कहीं पर मिस्टेक हो गई, इसमें आंसर देख लेते हैं कि कैसा दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, अगर रूट में कुछ दे रखा होगा तो चेक आउट कर लेंगे। माइनस माइनस वन है वो तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 11 है, एक्सरसाइज 11.2 है, 11 हाँ ऐसे ही दे रखा बच्चों, ठीक है। ये तो ये आ गया मेरा क्या कि 26 और 9 रूट ऑफ 38, और थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, थीटा इज इक्वल टू हमारा कॉस इनवर्स और 26 डिवाइडेड बाय 9 रूट 38, 38 के फैक्टर करने पर भी कुछ हमें बेनिफिट नहीं होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है ना। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पी सो दैट द लाइंस आर एट द राइट एंगल्स। देखो बच्चों इसने पहले वाली इक्वेशन में जो लिखी हुई है वो 1 - x / 3 और दूसरी लिखी है -14/2b और z - 3 2। और फिर मुझे क्या लिखा हुआ है कि 7 - 7x / 3b (y - 5) और फिर डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है 1 और ये क्या लिखा है 6 - z और डिवाइडेड बाई 5 आर एट द राइट एंगल्स। पी की वैल्यू निकालनी है बच्चों। तो पहले तो ये इक्वेशन एक भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दे रखी है, सिर्फ ये और ये दो वैल्यूज स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें अवेलेबल है, तो इनको मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाऊं। तो इसमें अगर माइनस कॉमन लेता हूं तो ये मेरा क्या बन जाएगा x - 1, एक माइनस कॉमन लिया वो माइनस में नीचे शिफ्ट कर दिया हूं, इसमें से 7 कॉमन ले लिया तो वो 7 क्या बन गया (y - 2/2p/7 = ये ऐसे ही आ गया कि z - 3 और डिवाइडेड बाई 2। अब इसी तरीके से इसमें -7 कॉमन लेंगे तो -7 कॉमन लोगे तो x - 1 और 3p/7 हो जाएगा और ये (y - 5/1 और इसमें -1 कॉमन ले लिया तो (z - 6/-5). अब बच्चों तुम्हें बताया था कि अगर राइट एंगल है तो क्या कंडीशन होती है राइट एंगल की, तो कंडीशन होती है (a₁a₂ + b₁b₂ + c₁c₂ = 0। अब ये (a₁a₂ a₂b₁b₂ c₁c₂ इनकी वैल्यू हमें यहाँ पे पुट कर दूँ, -3 तो ये आ गया (3p/7), b₁ की वैल्यू कितनी है मेरी 2p/7 और इसकी वैल्यू 1, c₁ 2 है और -5 है। बहुत आसानी से इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है, माइनस का 9p/7 प्लस का 2p/7 और ये माइनस का 10 आएगा उसको इक्वल के मैंने ट्रांसपोज करके इस साइड में प्लस का 10 कर दिया, 7 नीचे है डिनोमिनेटर में तो माइनस का 9 और प्लस का 2 7 आ गया भाई, 7p माइनस का 6p आएगा वो माइनस का 7 आएगा, यहाँ पर 7 आ गया प्लस का (=10), तो p की वैल्यू कितनी आ गई -10 के बराबर आ गई। ठीक है ना बच्चों, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 12 हो गया। कुछ भी इसमें नया नहीं था, सिर्फ एक ये कंडीशन थी कि टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर तो ये कंडीशन अप्लाई होती है कि अगर दो पैरेलल है तो (a₁a₂ = b₁b₂ = c₁c₂ = λ) लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसने परपेंडिकुलर की बात की, तो जब परपेंडिकुलर की बात की तो क्या हुआ कि ये इक्वेशन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी। ठीक, पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों ये था क्वेश्चन नंबर 12, अब हम बात करते हैं 13th की। तो आप देखो कि क्वेश्चन ज्यादातर जो है अगर हमें कंसेप्ट पता है तो ये क्वेश्चन इसी तरीके से हो जाते हैं। ठीक है ना, तो कम टू क्वेश्चन नंबर 13, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, कह रहा है सो दैट द लाइंस (x - 5/7) (y + 2) और (-5) (z/1) और दूसरी इक्वेशन जो दे रखी है लाइन की (x - 1) (y - 2) (z/3) आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब दोनों लाइनें क्या हैं कि परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के। तो बच्चों जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था उसी तरीके से ये क्वेश्चन हो सकता है कि (a₁a₂ (b₁b₂ (c₁c₂) अगर उनका सम 0 के इक्वल आ जाता है
तो क्या होगा कि लाइंस परपेंडिकुलर हो जाएंगी। लेकिन दूसरे तरीके से भी बताते हैं, क्योंकि आपको हर एक मेथड आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो यहाँ पर मैं क्या मान सकता हूँ कि वेक्टर बी वन इज इक्वल टू मेरा क्या हो सकता है, 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप हो सकता है, और बी टू इज इक्वल टू मेरा क्या हो सकता है कि i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, अब cos थीटा हमारा क्या होता है कि बी वन वेक्टर डॉट बी टू वेक्टर डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ बी वन वेक्टर और मॉड ऑफ बी टू वेक्टर। ठीक है, अब जो आपको आसान लगे उसी से आप ट्राई कर सकते हैं, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ बी वन वेक्टर और बी टू वेक्टर, अब ये मैंने लगाया क्यों, अगर थीटा की वैल्यू पाई बाई टू आ जाए तो दोनों परपेंडिकुलर हो जाएंगे। तो बी वन कितना है मेरा कि 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप, और डॉट आ गया ये क्या आ गया, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप डिवाइडेड बाई इसका मॉड बी वन का मॉड, तो 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, और दूसरा मेरा क्या हो गया 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, इसको हम आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या बनेगा कि 7 को इससे 1 से किया तो 7 आ गया, माइनस 5 को इससे किया तो माइनस का 10 हो गया और प्लस का 3 आ गया। ठीक है, नीचे क्या बन गया इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 7 का स्क्वायर 49 माइनस 5 25 हो गया और 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और डिवाइडेड बाई और रूट में क्या आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 हो गया। तो देखो बच्चों ऊपर क्या आ गया, 0 आ गया, और नीचे हमें लिख लेते हैं कि वैसे कुछ ज़रूरत नहीं है कि 50 75 हो गया, और यहाँ पर क्या बन गया 9 4 13 और 1 14 दिस विल बी इक्वल टू 0। अब देखो cos थीटा इज इक्वल टू हमारा क्या बन गया, cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया पाई बाई टू हो गया, पाई बाई टू मीन्स 90 डिग्री, 90 डिग्री आ गया। तो क्या आ गया कि ये लाइंस दोनों आपस में किस तरीके की हैं, परपेंडिकुलर लाइंस हैं। ठीक है ना, हम वो कंसेप्ट भी यूज कर सकते थे कि ए वन ए टू बी प्लस बी वन बी टू प्लस सी वन सी टू, दीज आर द डायरेक्शन रेशियोज, और इनको हम यूज कर सकते थे। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। क्वेश्चन नंबर ये हमारा क्या है 14 है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, और दो वेक्टर इक्वेशंस दे रखी हैं लाइंस की कि आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स आई कैप माइनस जे कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, एक तो ये दे रखी है, और दूसरी बच्चों हमें क्या दे रखी है कि 2i कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू और 2i कैप प्लस जे कैप और प्लस 2k कैप। ठीक है, तो दो लाइंस अगर एक दूसरे के क्या हैं कि परपेंडिकुलर हैं, वो सॉरी परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसा तो इसने मुझे कुछ गिवन ही नहीं है, तो जब ये कुछ गिवन नहीं है तो हम इसको कैसे करेंगे। ठीक है, मुझे डिस्टेंस निकालनी है यानी डी की वैल्यू निकालनी है। तो जो हमारा कंसेप्चुअल वीडियो था तो उसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए हमारे पास दो तरीके की लाइंस हुआ करती थी, एक तो एसक्यू लाइंस थी, वो लाइंस जो कि नाइदर इंटरसेक्टिंग और नॉर पैरेलल, मतलब दो अलग अलग लाइनें अगर एक प्लेन में ड्रॉ कर दी, अलग अलग प्लेन में सॉरी दो लाइनें अगर ड्रॉ कर दी तो क्या होंगी कि वो पैरेलल तो हो सकती हैं, मतलब सॉरी न तो पैरेलल होंगी और ना ही इंटरसेक्टिंग होगी,
तो उनके बीच में एक तो डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है, और दूसरी क्या होता है कि जब लाइंस पैरेलल हैं उस केस में हमें डिस्टेंस निकालनी होती है, ठीक है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें अवेलेबल है कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन, यानी इन दोनों लाइंस के बीच में मुझे क्या निकालना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालनी है। तो बच्चों ये देखो, ये दो चीज़ें दे रखी हैं, इसमें वेक्टर ए वन, इसको मैं क्या मान सकता हूँ कि वेक्टर ए वन प्लस लैम्डा टाइम्स और वेक्टर बी वन, और ये दोनों अलग अलग हैं इसलिए ये पैरेलल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है ये कि ए टू वेक्टर और प्लस म्यू टाइम्स और बी टू वेक्टर, ठीक है। तो इसमें ए वन मेरा क्या हो गया आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप, और ए टू इज इक्वल टू क्या हो गया वेक्टर ए टू इज इक्वल टू टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। ए लिखा हुआ है देख लें जरा, आई कैप टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। अच्छा अब इसमें बी वन क्या दे रखा है, पहले ए टू माइनस ए वन निकाल लेते हैं, वेक्टर ए टू माइनस ए वन वेक्टर, क्योंकि मुझे इसके फार्मूले में क्या होगी जरूरत पड़ेगी। तो ए टू माइनस यानी टू आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस आ गया आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप, ठीक है ना। ध्यान से देखते रहिए आप इसको और बहुत आसानी से हो जाएगा, माइनस जे कैप माइनस के कैप माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप माइनस के कैप। तो टू आई कैप में से एक आई कैप किया तो आई कैप रह गया, और ये मेरा माइनस है और ये भी माइनस, तो माइनस थ्री जे कैप और ये माइनस का टू के कैप, ठीक है। ये एक तो हमारा ये आ गया, ठीक है। अब दूसरा देखिए कि क्या है कि बी वन वेक्टर बराबर क्या हमें गिवन है कि आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, और बी टू वेक्टर इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है कि टू आई कैप प्लस जे कैप और प्लस का टू के कैप, ये चीज हमें दे रखी है। तो देख लेते हैं हम इसमें कि यही गिवन है कि आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप टू आई कैप प्लस जे कैप और प्लस का टू के कैप, ये बात हमें अवेलेबल है। तो देखो बच्चों अब हमने क्या करना है कि एक तो ए टू माइनस ए वन निकल आया और ये बी टू यहाँ पर है, अब बी टू और बी वन यानी मुझे क्या निकालना है कि बी वन क्रॉस और बी टू, ये कैसे निकल करके आएगा। हमारे पास जो क्रॉस प्रोडक्ट का फार्मूला वेक्टर में पड़े थे वो वाला फार्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे, वन माइनस वन और वन, यहाँ पर टू और वन और टू के लिए इक्वल आ गया, ठीक है। सिंपल सी डिटरमिनेंट है जिसको कि हमने सिंप्लीफाई कर देना है, आई कैप आ गया इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस टू माइनस वन और माइनस जे कैप हुआ, ये इस तरीके से गया टू माइनस टू टू माइनस टू और प्लस का क्या बन गया के कैप आ गया ये हमारा, तो ये हट गया वन प्लस टू वन प्लस टू, ठीक है। ये तो कैंसिल हो गया हट गया, यह माइनस थ्री आई कैप और ये प्लस का थ्री के कैप बन गया। अब देखो मुझे एक तो और क्या निकालना है, बी वन वेक्टर का मॉड निकालना है, जो हमारा फार्मूला है उसमें बी वन वेक्टर आएगा, तो बी वन वेक्टर का हमने मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने के लिए सिंपल सा ही कि बी वन वेक्टर ये तो वन का स्क्वायर प्लस माइनस वन का स्क्वायर प्लस और वन का स्क्वायर, कितना बन गया बच्चों मुझे दिखाई दे रहा है कि रूट थ्री के ये इक्वल आएगा। फिर बी टू वेक्टर इसका मॉड हमने फाइंड आउट कर लिया, तो इसका बी टू वेक्टर इसका अगर हमें बच्चों बी वन क्रॉस बी टू का मॉड निकालना है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसके एंगल फाइंड आउट करने के लिए ज़रूरत थी, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसका ही मॉड निकाल देते हैं। तो इसका मॉड मेरा क्या आ जाएगा कि बी वन क्रॉस बी टू, क्योंकि हमारे फार्मूले में बी वन का मॉड नहीं था, तो ये इसका मॉड निकाला तो क्या आ जाएगा रूट ऑफ नाइन, थ्री का स्क्वायर नाइन और ये आ गया नाइन, तो ये रूट ऑफ कितना हो जाएगा एटीन, और 18 किसके इक्वल हो जाएगा थ्री रूट
टू के ये इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना। अब फार्मूला लिख लेते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है कि ए टू माइनस ए वन ये लगाया, और दूसरा मेरे पास क्या आ गया कि बी वन क्रॉस बी टू, बी वन क्रॉस बी टू, और डिवाइडेड बाय मेरा क्या होगा कि बी वन क्रॉस बी टू का मॉड, यही फार्मूला होता है इसका, ठीक है। तो इस फार्मूले में हम क्या करेंगे कि इसकी वैल्यू पुट कर देंगे और आपको क्या मिलेगा, आंसर मिलेगा, ओके। तो हमने सभी की वैल्यू फाइंड आउट कर ली इसमें, तो ए टू माइनस ए वन हमारा कितना था कि ये आया, तो हमने यहाँ पे लिख लिया कि आई कैप माइनस थ्री जे कैप माइनस टू के कैप, और बी वन क्रॉस बी टू किसके इक्वल आ गया, माइनस थ्री आई कैप प्लस थ्री के कैप के इक्वल आ गया, और डिवाइडेड बाई ये मॉड आ गया मेरा थ्री रूट टू के बराबर। अब जो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट है तो डॉट प्रोडक्ट लगा दिया तो क्या आ जाएगा, माइनस थ्री आ जाएगा, यहाँ पे जीरो होता है जीरो आ गया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस का सिक्स आ गया और थ्री रूट टू के बराबर आ गया, तो ये कितना बन गया, माइनस नाइन थ्री रूट टू के बराबर, ठीक है। इसमें भी पूरे पर मॉड होता है क्योंकि डिस्टेंस माइनस में नहीं हो सकती है, तो ये हमने मॉड लगा दिया, दिस इज इक्वल टू थ्री थ्री बाई टू, और थ्री से ये कैंसिल हो गया थ्री बाई रूट टू, रेशनलाइज कर सकते हैं हम इसको, वो क्या होगा इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर रेशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये थ्री रूट टू और डिवाइडेड बाई टू के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। बच्चों आंसर देख लेते हैं इसका कि यही आंसर है या नहीं है, क्वेश्चन नंबर 14 है एक्सरसाइज 11.2 का, तो 11.2 और क्वेश्चन नंबर हमारा 14, तो थ्री रूट टू डिवाइडेड बाई टू, तो करेक्ट है आंसर, यही इसका आंसर होगा। कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक हो सकता है इसलिए आंसर चेक कर लेना चाहिए। फॉर द वीडियो एंड कॉपी इट देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो बच्चों ये इसमें शॉर्टेज डिस्टेंस निकलवाया था, शॉर्टेज डिस्टेंस जो है अगर पैरेलल लाइन होती तो हमारा फार्मूला स्लाइटली चेंज हो जाता, बी जो होता हमारा वेक्टर वो एक जैसा होता, बाकी ऐसे ही बना रहता। तो क्वेश्चन नंबर 15 पर पहुंचे अब हम, क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 15, फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस। तीन क्वेश्चन आगे दे रखे, तीनों में शॉर्टेज डिस्टेंस ही फाइंड आउट करनी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस साल के लिए, ठीक है। तो ये आ गया मेरा x प्लस वन और डिवाइडेड बाई सेवन, यहाँ क्या आ गया y प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस सिक्स, दिस इज इक्वल टू z प्लस वन डिवाइडेड बाई वन, और क्या दे रखा मुझे दूसरी लाइन की इक्वेशन, x माइनस थ्री डिवाइडेड बाई वन y माइनस फाइव और डिवाइडेड बाई माइनस टू, दिस इज इक्वल टू z माइनस सेवन डिवाइडेड बाई वन के, ये हमें इक्वल दे रखी है, ठीक है ना। तो देखो ये हमारी किस टाइप की इक्वेशंस दे रखी है, ये बच्चों हमें इक्वेशन हमें दिखाई दे रहे हैं कि ये कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, ठीक है ना। तो जब कार्टेशियन इक्वेशन हमें दे ही रखी है तो हम दो तरीके से शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल सकते हैं, या तो हम इनको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करें पहले, और वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके जैसे इससे पहले वाला क्वेश्चन किया था तो उस तरीके से वो फार्मूला अप्लाई करके और शॉर्टेज डिस्टेंस निकाल ले, या हमारे पास क्या था शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए जो फार्मूला, वो दूसरा वाला फार्मूला क्या है कि एक्स टू माइनस एक्स वन बाई टू माइनस बाई वन, ठीक है, बाई टू माइनस बाई वन यही है, और जेड टू माइनस जेड वन, यहाँ पर क्या था कि ए वन बी वन और सी वन, ए टू बी टू और सी टू, यहाँ पर डिटरमिनेंट का साइन डिवाइडेड बाई, बहुत बड़ा सा बच्चों फार्मूला है ये, और लेकिन लर्न करने का तरीका हम आपको बता देंगे। जैसे एक्स टू माइनस एक्स वन ये आया,
तो अब डिटरमिनेंट है ये, इसी डिटरमिनेंट को सिंपलीफाई करके मैं यहाँ पे लिख लूंगा और नीचे वाला रिजल्ट आ जाएगा। तो बी वन और सी वन यहाँ पे लिखा मैंने, बी वन सी टू और माइनस का साइन, ठीक है। तो माइनस क्या हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, बी टू सी वन इसका होल स्क्वायर। अब देखो मैं यहाँ पे प्लस का साइन लगा लूंगा, डिटरमिनेंट में क्या था, माइनस का साइन था, तो मैंने यहाँ पे प्लस का साइन लगा लिया। अब ये वाला रो नहीं आया तो मैं पहले इसको लिख लूंगा, सी वन ए टू और माइनस ए वन सी टू का होल स्क्वायर, डिवाइड प्लस का साइन आ गया और डिवाइडेड बाई, ठीक है। तो इसको हमने दबा लिया तो क्या आएगा, ये वाला कॉलम हमने दबा लिया तो ए वन बी टू माइनस वी वन ए टू इसका होल स्क्वायर। ओके बच्चों, तो अब ये तो मेरा फार्मूला बना करके, अब मैं इसमें आपको बताता हूँ कि एक्स वन एक्स टू ए वन बी वन सी वन ए टू बी टू और सी टू है क्या, ठीक है। ए वन बी वन सी वन ये डायरेक्शन रेशियोज हैं, इन इक्वेशंस में डायरेक्शन रेशियोज है, मैंने क्या है, ए वन ये बी वन ये सी वन ये ए टू ये बी टू ये और सी टू ये, ठीक है। एक्स वन की वैल्यू हमारी कौन सी है, ये इक्वेशन पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर कन्वर्ट करते हैं तो एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई ए वन होता है, वाई माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई बी वन होता है, इज इक्वल टू जेड माइनस जेड वन डिवाइडेड बाई सी वन हो गया, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ तो मेरी एक्स वन की वैल्यू क्या होगी कि एक्स वन इज इक्वल टू माइनस का वन के बराबर आएगी। ऐसे यहाँ पर वाई वन की वैल्यू मेरी किसके इक्वल हो जाएगी, माइनस वन के, और जेड वन की भी वैल्यू किसके इक्वल होगी, यहाँ पर भी प्लस का साइन लिखा हुआ है तो माइनस वन के भी इक्वल होगी, ठीक है। और ये तो एक्स वन वाई वन और जेड वन हुए, ऐसे ही एक्स टू इज इक्वल टू हाउ मच, थ्री आ जाएगा, वाई टू इज इक्वल टू क्या होगा, फाइव हो जाएगा, और जेड टू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेवन के इक्वल हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। और मैंने आपको बताया कि ए वन क्या है, ये ए वन बराबर है, ए वन इज इक्वल टू सबको पता होगा आप, ये बी वन के इक्वल, ये सी वन के इक्वल, ये ए टू के इक्वल, ये बी टू के इक्वल और ये सी टू के इक्वल। तो ये सारी वैल्यूज हमने क्या करना है कि इस फार्मूले में पुट कर देनी है और आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका क्या होगा कि रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो पुट करके देख लेते हैं, तो एक्स टू माइनस एक्स वन, एक्स टू यानी थ्री माइनस वन तो माइनस प्लस हो गया यानी फोर के इक्वल आ जाएगा, यानी थ्री माइनस और फिर माइनस वन तो प्लस का फोर हो गया। ए बाई टू माइनस बाई वन, फाइव तो ये है माइनस ये तो सिक्स आ जाएगा, जेड टू माइनस जेड वन सेवन माइनस यानी एट के इक्वल आ जाएगा। ओके, ए वन की वैल्यू क्या आ गई मेरी, ए वन की वैल्यू सेवन दे ही रखी, बी वन की वैल्यू माइनस सिक्स, सी वन की वैल्यू वन और ए टू की वैल्यू वन और बी टू की वैल्यू माइनस टू और सी टू की वैल्यू वन, ठीक है। इस पे डिटरमिनेंट का साइन लगा लिया और डिनोमिनेटर में जो भी हमें गिवन है वो सारी वैल्यूज हमने यहाँ पर क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। बी वन सी टू कहाँ भाई, बी वन सी टू, बी वन ये है और सी टू हमारा वो लिखा हुआ है तो माइनस सिक्स और माइनस वन, तो यह मैंने लिख लिया माइनस सिक्स और माइनस वन को अगर मल्टीप्लाई करोगे तो पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, माइनस सिक्स और वन तो यहाँ पे वन आ गया, फिर किसका साइन है मेरा, माइनस का साइन है, ठीक है। बी टू, बी टू कितना है माइनस टू और बी टू के बाद किस क्या आना है, सी वन आना है तो वन आ गया, ठीक है बच्चों। तो इस पे ये वाला साइन लगा लिया, प्लस का साइन आ गया। तो अब हमें क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें वैल्यू डालनी है तो सी वन और ए टू, तो सी वन सी वन सी वन कहाँ है, ये है, तो सी वन की वैल्यू वैल्यू आ गई वन, ठीक है। यहाँ पर भी सी वन की वैल्यू डाली, सी वन की वैल्यू वन थी, ठीक है। तो अब देखो सी वन की वैल्यू मेरी आई है वन और ए टू की वैल्यू कितनी है वन, तो वन इंटू वन यहाँ पर आ गया, माइनस का साइन आ गया। फिर मेरा क्या है, ए वन सी टू, ए वन और सी टू, तो सेवन इंटू वन सेवन आ गया बच्चों, इसका होल स्क्वायर प्लस का साइन आ गया, ठीक है। ए वन बी टू,
सेवन है और बी टू है माइनस टू, तो सेवन टू या फोर्टीन, यानी माइनस का फोर्टीन आ गया। फिर माइनस का साइन था तो ये माइनस का साइन आ गया। बी वन ए टू, बी वन की वैल्यू माइनस सिक्स और ए टू की वैल्यू वन है तो माइनस सिक्स आ जाएगा ये, ठीक है। ये देख लो, ये भी माइनस सिक्स है और एक माइनस ये वाला भी है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ठीक है। यानी बी वन माइनस सिक्स और ए टू की वैल्यू वन, तो वन यही बना रहेगा इसका स्क्वायर। अब ये आसानी से सिंप्लीफाई किया जा सकता है और जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगा, मेरा डी की वैल्यू आ जाएगी। ओके बच्चों, तो उम्मीद है कि ये बात समझ में आई होगी। और इसको ये सिंपल सी डिटरमिनेंट है, जैसे इससे पहले भी डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई करते रहे और डिटरमिनेंट का पूरा चैप्टर पढ़ करके आए, तो डिटरमिनेंट यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेंगे आप और नीचे स्क्वायर रूट निकाल लेंगे, आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर मिल जाएगा। पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन हुज वेक्टर इक्वेशंस आर गिवन। तो इक्वेशन नंबर 16 है, वेक्टर आर इज इक्वल टू आई कैप प्लस टू जे कैप और प्लस थ्री के कैप, इस तरीके से दे रखे वेक्टर इक्वेशन दे रखे है ये सिंपल से, आई कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन दे रखी है मुझे लाइन की, फोर आई कैप प्लस फाइव जे कैप और प्लस सिक्स के कैप प्लस का म्यू और फिर ब्रैकेट में टू आई कैप प्लस का थ्री जे कैप प्लस के कैप, ये दे रखा है। तो बच्चों देखो, ऐसा ही एक क्वेश्चन ऊपर दे रखा था मैं, क्वेश्चन नंबर 14 वाला, कुछ भी चेंज नहीं। ये ए वन वेक्टर है, ए वन वेक्टर आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप, ए टू वेक्टर मेरा क्या है कि फोर आई कैप प्लस फाइव जे कैप प्लस सिक्स के कैप, क्या फाइंड आउट करना है हमने, ए टू वेक्टर माइनस ए वन वेक्टर, ठीक है। यानी इसमें से इसको माइनस कर देंगे। फिर ये वाला हमारा v1 वेक्टर है, v1 वेक्टर i कैप माइनस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप, v2 बराबर क्या दे रखा है हमें, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस का k कैप, ये दे रखा। क्या निकालेंगे हम इसमें, v1 क्रॉस v2 निकालेंगे, v1 क्रॉस v2, v1 क्रॉस v2 भी निकाला जा सकता है कि i कैप j कैप और k कैप, क्या वैल्यू पुट कर देंगे, वन माइनस थ्री और टू, यानी यहाँ पर क्या आ गया मेरा, वन माइनस थ्री और टू, पीछे वाले में क्या आ गया, टू आ गया, थ्री आ गया और वन आ गया। फिर जो यहां से आएगा उसका हम क्या निकालेंगे, मॉड निकाल लेंगे, जो यहां से सिंप्लीफाई होकर के आ जाए। किस फार्मूले में हमने पुट कर देना है कि डिस्टेंस निकालनी है, तो डी इज इक्वल टू ए टू माइनस ए वन, डॉट प्रोडक्ट होता है इसके साथ में बी वन वेक्टर क्रॉस बी टू वेक्टर, ठीक है। और नीचे बच्चों क्या आएगा कि बी वन क्रॉस बी टू और इसका मॉड और पूरे का मॉड लगा दिया, ठीक है। पूरे का मॉड इसलिए कि माइनस में भी, जैसे पहले वाले में माइनस में आया था ना तो हमने प्लस कर दिया था उसको, तो इसलिए ये मॉड लगा हुआ है। ओके बच्चों, तो ये सारी वैल्यू बहुत आसानी से निकाली जा सकती है और आपका कॉन्फिडेंस तभी बढ़ेगा जब आप इनको करके देखेंगे, क्योंकि मैंने कंसेप्ट बताया, उसमें एग्जांपल बताए आपको, और एग्जांपल बताने के बाद ये एक्सरसाइज ऑलमोस्ट पूरी करा दी। एक क्वेश्चन 17 रह गया, वो भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप क्या करेंगे कि उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।